चल के माता Thank you.
नगर भूमिया रे शिमला के अंदर सांगों के ऊपर इन्होंने 34 ग्रंथ लिखे हैं। मैं जल्दी जल्दी में मेरे याद नहीं रहा 34 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। इन्होंने जो हमारे गुरु चंद्रलाल जी है उनका ग्रंथ लिखा है, जो धनपत राय हैं उनका ग्रंथ लिखा है, ये माइना जी का ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, जो हम आपके सामने जो ये सांग दिखा रहे हैं ये भी इन्होंने लिखा है। मेरे दोस्तों ऐसे व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं। और अभी इनकी पहले ड्यूटी थी कैथल के अंदर आरकेएसडी कॉलेज के अंदर, और अब ये मोतिहारी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। और इस सभागार में जितने भी सांग प्रेमी बैठे हुए हैं मैं सबको नमन करता हूँ, सबके चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे अभी मेरे बारे में जो सूरज जी ने जो कहा है इनका एक अंश भी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस समय सूरज जी जितनी रागणी की तर्जे जानने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा में होगा। सूरज जी से मेरी लगातार मेरी बातें होती रहती हैं। दिसंबर के महीने में मैं और सूरज जी 15 दिन इकट्ठे रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सांगियों के घर जाके आए। मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्था में संस्थान जो शिमला में है 2 साल मुझे वहाँ पर काम करने के लिए मिल गए हैं, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तमाम सांगियों का मैं इतिहास लिख रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। जो 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 कवि जो सांगी अनपढ़ रहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में बैठ के
मैं उन पे सांग लिख रहा हूं, ये मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और केवल एक बात के और कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सांग, क्योंकि सांग में रमे हुए हैं, हरियाणा का सबसे शहीदों पे सबसे शानदार सांग नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, और सबसे शानदार सांगी आज सूरज बेदी जी आपके बीच में इसको कर रहे हैं। ये हरियाणा का मान सम्मान है, हरियाणा के तमाम दर्शकों का, सांग प्रेमियों का मान सम्मान है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सूरज बेदी के बारे में कोई बात कह सकूं। आज महाशय दयाचंद मायना, जिन्होंने अपने जीवन काल में 21 सांग लिखे, उनका सांग इस स्टेज से हो रहा है, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात। धन्यवाद सर। लीजिए आगे सांग सुनिए मेरे दोस्तों। भारत माता सुभाष चंद्र बोस को कह करके, बेटा उठ, तूने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे सोता रहेगा तो मुझे आजाद कौन कराएगा बेटा। मेरे दोस्तों, सवेरे का टाइम था, उसकी एक भाभी थी शीलवती और एक थी मायावती, दोनों आती हैं और सुभाष चंद्र बोस को जगाती हैं, और क्या होता है सजनों सुनिए। उठ खड़ा हो। है भाभी, तूने आवाज दी है? हाँ हाँ, उठ खड़ा हो, दिन चढ़ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भाभी, गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद बोलिए। जय हिंद बोले। जय हिंद बोलिए भाभी, भाभी माँ जय हिंद का नारा बोलिए, गुड मॉर्निंग नहीं बोलिए। सुभाष, हाँ, तने याद नहीं के, तने पता नहीं के, जय हिंद बोलनिया, तेरे पिताजी जापान की जेल में सड़ रहा है, तेरे चाचा बॉस बिहारी वो काले पानी तार दिए हैं, अब तू भी उसी लाइन पे चलन लग रहा है, जय हिंद बोलेगा। भाभी, ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा फांसी के तख्ते पर चले गए और इतने फांसी टूट गए, मैं भाभी तेरे पास रह करके क्या करूंगा, मुझे कुछ भारत माता के लिए कुछ करना है, मुझे बाहर जाना है, मैं दिल्ली जाऊंगा और कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। यानी समझदा बेटा, तूने समझा भाई, जब ये आपकी नहीं माना तो मेरी क्या मानेगा? नहीं भाभी माँ, नहीं मानूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। सुभाष, सारा कुड़पा इससे में खत्म हो गया, और तो ये लास्ट दिखे है, परिवार का ख्याल कौन है तने? भाभी, सारी बात मान जूंगा, मगर ये नहीं मानूंगा, मैंने भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है। भाभी माँ, अगर आपने कुछ करना है तो हमारी बात सुनो। हाँ सुना। हाँ सुन के जाइए और फिर बताइए। के जाल साज अंग्रेज ऊत से लुच्चे साथ बिलाता मैं ते, और नू बोली के डके डकाए ढोल रहन दे केले गाइन बाता में। क्या कहती है? जाल साज अंग्रेज ऊत से लुच्चे साथ बिलाता मैं ते, डके डकाए ढोल रहन दे केले गाइन बाता। चाचा बोस बिहारी काले।
शायद निचोड़ेगा इन बिरड़ियां के छाते में ते। ओए 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 अरे तू के शायद सुना रही है ना एक एक बात ने बड़े ध्यान से सुन रहे हूं ध्यान ला तू और मैं नहीं सुन रहा सारी जनता एक एक बोल ने बड़े ध्यान से सुन रही है राम प्रसाद की आड़े चल छोटी और भूल नहीं चंद्रशेखर दिलीप सिंह की पड़े जगत का भूल नहीं बोल सुनियो नू के तू के खुशबोई लेवेगा इन आंख डाक के पत्तियां में से आंख को जानते हो कोई खुशबोई नहीं आती डाक के पत्तों में से कोई खुशबोई नहीं आती अरे तू के खुशबोई अग्नि